अभी भी आपको शंका लगा कि मैं किन्नर हूँ, जिस लड़के से शादी कर रही हूँ, हो सकता है कि बाई फ्यूचर उनके परिवार वाले एक्सेप्ट नहीं करे? तो चूंकि होता है कि किसी के प्यार में आप पड़ते हैं और फिर जब वहाँ धोखा मिलता है तो बहुत बड़ा आपको भी पता है कि कितना बड़ा चोट होता है, कभी कभी आपको ऐसा लगता है? पता नहीं, हमको धोखा तो नहीं मिला है, हमको तो प्यार हुआ है। कि इन फ्यूचर, चूंकि कोई भी अगर आप अपने कदम उठाए तो फ्यूचर भी सोचना पड़ेगा कि मेरा फ्यूचर कहाँ जा रहा है। शायद जिस लड़के से प्यार कर रहे हैं, शादी हुआ है, वो आगे इसका परिवार या ये अपनाता कि नहीं। क्योंकि अभी भी बहुत सारे देखे होंगे कि किन्नर, तो अभी एक हाल ही वीडियो वायरल हुआ था कि किन्नर शादी हुआ, उसके बाद में उसको धोखा मिल गया। अभी आप भी वीडियो देखे होंगे। हाँ, होता है ऐसे ही, लगा ज़्यादातर होता है, तो हमारा साथ ऐसे नहीं हुआ है। और ये भी लगातार दिखा जाता है जो किन्नर लोग घर पर नहीं रहता है, तो हम अपने घर पर फैमिली में रहती हूँ। और ये भी दिखा जाता है जो शादी का पहले कोई किन्नर का बॉयफ्रेंड हो चाहे हस्बैंड हो, कोई कैमरा पे नहीं आता है। जब धोखा मिलता है फिर भी नहीं आता है, सिर्फ किन्नर लोग ही हल्ला करता है जाके जो हमको धोखा मिला है। तो हमारे साथ ऐसे कुछ भी नहीं हुआ, बचपन से हम घर पे रहे कि बड़ी हुई, उसके बाद हम जनता बाजार पे रहती हूँ। हमको प्यार हुआ है, वो भी पूरा दुनिया को जाना के ही हुआ है, अभी भी साथ में ही है। तो किसी का कोई, तो मेरा घर से तो कोई प्रॉब्लम है नहीं, और हम चाहती हूँ और किसी कोई भी लोग को प्रॉब्लम ना हो। मैंने होने का क्या जरूरत है, जब हम दोनों प्यार करती हूँ, हम दोनों खुश हूँ, हम दोनों एक साथ रहना चाहती हूँ, तो और लोगों का क्या प्रॉब्लम है। मेरे साथ अभी सोनी किन्नर है, इनका शादी हो गया, बहुत चर्चा का विषय बना हुआ है। चलिए सोचे कि इनसे मिल लेते हैं। पहले तो आपको शादी की बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद है आपको। आप गए कोलकाता, गए शादी भी हो गया, क्या कहना चाहेंगे? क्या कहना चाहेंगे सबको ही ऐसे ही हम दोनों को आशीर्वाद कीजिए, हम दोनों एक साथ रहो और सबको हम दोनों को एक्सेप्ट कर लीजिए। देखिए, इसलिए हम सवाल बोले हैं कि क्या कहना चाहेंगे, कि अभी किन्नर समाज से आप आते हैं, अभी भी बहुत सारे मानसिकता प्रिसेप्शन बना हुआ है कि देखिए हम किन्नर हो तो हमारा समाज किन्नर नहीं है, हमारा मम्मी पापा, हमारा भाई, हमारे भौजाई, हमारा गांव के लोग किन्नर नहीं है। तो हम किन्नर समाज से नहीं आते, हमारा समाज के हम सिर्फ किन्नर हो। सॉरी, तो आप कमी सवाल ये कि अभी अभी भी प्रिसेप्शन बना हुआ है कि समाज में जाएंगे ना तो दूसरे दृष्टि से देखते हैं। पर अभी आपको पता होगा कि जब निकलते हैं तो समाज में किस तरह लोग बोलते हैं, तरह तरह कमेंट करते हैं, आपको भी पता है। तो अब शादी हो गया, अब खुश हैं? अब बहुत खुश हूँ। बहुत मुस्कुरा रहे हैं। हाँ, हमेशा ही हंसते ही रहती हूँ। अच्छा, कभी भी आपको शंका लगा कि मैं किन्नर हूँ, जिस लड़के से शादी कर रही हूँ, हो सकता है कि बाई फ्यूचर उनके परिवार वाले एक्सेप्ट नहीं करे? तो चूंकि होता है कि किसी के प्यार में आप पड़ते हैं और फिर जब वहाँ धोखा मिलता है तो बहुत बड़ा आपको भी पता है कि कितना बड़ा चोट होता है, कभी कभी आपको ऐसा लगता है? पता नहीं, हमको धोखा तो नहीं मिला है, हमको तो प्यार हुआ है। अभी हो सकता है कि इन फ्यूचर, चूँकि कोई भी अगर आप अपने कदम उठाए तो फ्यूचर भी सोचना पड़ेगा कि मेरा फ्यूचर कहाँ जा रहा है। शायद जिस लड़के से प्यार कर रहे हैं, शादी हुआ है, वो आगे इसका परिवार या ये अपनाता कि नहीं। क्योंकि अभी भी बहुत सारे देखे होंगे कि किन्नर, तो अभी एक हाल ही वीडियो वायरल हुआ था कि किन्नर शादी हुआ, उसके बाद में उसको धोखा मिल गया। अभी आप भी वीडियो देखे होंगे। हाँ, होता है ऐसे ही, लगा ज़्यादातर होता है, तो हमारा साथ ऐसे नहीं हुआ है। और ये भी लगातार दिखा जाता है जो किन्नर लोग घर पे नहीं रहता है, तो हम अपने घर पे फैमिली में रहती हूँ। और ये भी दिखा जाता है जो शादी का पहले कोई किन्नर का बॉयफ्रेंड हो चाहे हस्बैंड हो, कोई कैमरा पे नहीं आता है। जब धोखा मिलता है फिर भी नहीं आता है, सिर्फ किन्नर लोग ही हल्ला करता है जाके जो हमको धोखा मिला है। तो हमारे साथ ऐसे कुछ भी नहीं हुआ, बचपन से हम घर पे रहे कि बड़ी हुई, उसके बाद हम जनता बाजार पे रहती हूँ। हमको प्यार हुआ है, वो भी पूरा दुनिया को जाना के ही हुआ है, अभी भी साथ में ही है। तो किसी का कोई, तो मेरा घर से तो कोई प्रॉब्लम है नहीं, और हम चाहती हूँ और किसी कोई भी लोग को प्रॉब्लम ना हो। मैंने होने का क्या जरूरत है, जब हम दोनों प्यार करती हूँ, हम दोनों खुश हो, हम दोनों एक साथ रहना चाहती हूँ, तो और लोगों का क्या प्रॉब्लम है। वो तो सही है। अच्छा, आप सोनी जी किस कहाँ तक पढ़ाई किए हुए हैं? हम ग्रेजुएशन किए हूँ। ग्रेजुएशन किए हैं? हाँ। अच्छा, आपके हस्बैंड? हाँ, लेबुन आए को इन्हें बांग्ला बोझे सप्ता क्या बोल रहे थे वो थोड़ा वो लोग। आप आपके हस्बैंड कहाँ तक पढ़ाई किए?
डॉक्टरी कर रहे हैं। डॉक्टरी कर रहा है हाँ। तो भी लगता है कि चलो कम से कम मेरा पति जो है डॉक्टर मिल रहा है, पढ़ाई कर रहा है। अच्छा अभी आप ग्रेजुएशन किए हैं, अब एक और किन्नर के नाम सुनोगे जो परसा में रहती हैं, एलिना किन्नर, जो अभी शायद पढ़ाई कर रही हैं। हाँ सुनी हूँ, तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा है जो वो भी एजुकेटेड है हाँ, और अभी डॉक्टर दरोगा बनी है किन्नर के उनका भी वीडियो बहुत हाँ। और उनका पति तो अभी डॉक्टर, उनका ही पति डॉक्टर है, हाँ पता नहीं उनका पति के बारे में नहीं, नहीं सुनी हूँ। रामान सर के पास जो हाँ अभी जो भी बोला है जो मेरा बॉयफ्रेंड है, शादी नहीं हुआ है, बॉयफ्रेंड है, बाकी पति का बात नहीं बोला है, बॉयफ्रेंड का बात बोला है, बॉयफ्रेंड का बात, लेकिन वो बोला कि उसी से हम शादी करेंगे, आने वाले फ्यूचर वही मेरे हस्बैंड है रहेंगे। तो भी आपका आपका भी पति जो पढ़ के डॉक्टर उधर भी डॉक्टर पता नहीं। अच्छा जब ऐसे समाज में जब आप ग्रेजुएशन पास करके करती हैं कि अब स्टेज शो करना छोड़ दिए? अभी तो डांस नहीं करती हूँ, अभी हमारा डांस ग्रुप चलता है, पार्टी चलता है, तो वहीं पे लड़की लोग डांस करती हैं, तो हम डांस अभी नहीं करती हूँ। अच्छा अभी जब आप ग्रेजुएशन वेल एजुकेटेड है तो आप जब इस लाइन में ग्रेजुएशन पास मैंने आदमी हुआ और बहुत आपको गिफ्ट फील्ड हुआ है, तो मैं क्या करूँ, मेरा और कोई दूसरा कोई रास्ता नहीं था। अच्छा परिवार वाले अभी आपके अपनाए हैं कि छोड़ती? बहुत प्यार करते हैं मेरा परिवार, मेरा गांव जिला पे अगर जाइएगा तब समझ में आएगा, जो किन्नर हो के भी खुला आसमान में जीने का क्षमता रखी हो और अधिकार रखी हो। होना चाहिए, समाज में बदलाव होना चाहिए, क्योंकि अभी भी जो ऐसा नहीं है कि ये किसी स्पेशल व्यक्ति हैं, ये हमारे समाज के ही अंग है, भले इनकी जो जब जन्म हुआ उस समय भले फिजिकली में थोड़ा चेंज हो गया, वो तो भाई भगवान की देन है, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए कि समाज में जो अभी भेदभाव बना हुआ वो भेदभाव होना चाहिए।